नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी भारत समाचार के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। घर बैठकर अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाएं, आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सा अभ्यास करना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑलवेज मेडिटेट योर बॉडी, आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, हो, रिलीज। चेहरे पे एक सुकून आ जाता है ओम के उच्चारण के द्वारा। आ ऊ मा, इन तीन शब्दों को अच्छे से जोड़िए। इससे हमारी बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और मन पूरी तरह क्लियर होता है। क्लैरिटी आपको मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो ओम का उच्चारण भी जरूर करिए। शुरू करेंगे सिंपल क्रिया के साथ में। सिंपल क्रिया में अपनी सांसों की गति को बढ़ाना है, सांस लेकर और छोड़कर, इनहलेशन और एक्सहलेशन के साथ में। तो चलिए साथ मिलके करेंगे। अपने हाथ को इस तरह से रखिए, इनहेल सांसों की गति को बढ़ाइए, एक्सहेल सांस पूरी तरह छोड़ेंगे, इनहेल रिलैक्स। अपनी बॉडी को अंदर से महसूस करिए और अपने आप को हमेशा ही शांत रखिए। सिंपल क्रिया भी बहुत अच्छी क्रिया होती है। इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है। तो चलिए मैं आपको दूसरी क्रिया करने बताऊंगी, जिसको हम कपाल भाति बोलते हैं। कपाल भाति क्रिया भी बहुत अच्छी रहती है। कपाल भाति बहुत ही इजी क्रिया होती है। कपाल का मतलब होता है आपका स्कल, भाति को हम बोलते हैं शाइनिंग। तो हम लोग साथ में शाइन करेंगे, कपाल भाति के साथ में करते हैं। हाथ को इस तरह से रखिए। पहले हमें इनहेल करना है, देन एक्सहेल शार्पली, नेवल पुलिंग बैक टू द स्पाइन। करिए मेरे साथ, आपको पता लगेगा किस तरह से करना है। इनहेल, रिलैक्स।
कपाल भाती ज़रूर करिए, इससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल सी मुद्रा बताऊंगी जो हम लोग सब मिलके करेंगे। इसको हम बोलते हैं ब्रह्मा मुद्रा। अच्छे से मुट्ठी बनाएंगे, थंब इनसाइड, एंड आपके हाथ अपने नेवल के पास रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए। धीरे से अपनी मुट्ठी को खोलेंगे, इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहता है। अब मैं आपको महाक्रिया करना सिखाऊंगी। महाक्रिया भी बहुत अच्छा आसन होता है, इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो चलिए करते हैं मिलके महाक्रिया। हाथ को अच्छे से इंटरलॉक करेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लेंगे, सांस छोड़िए। धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके आइए, एक्सेल। धीरे से अपने फोरहेड को नीचे लेके जाइए, रिलैक्स। हमारी बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो जाती है, सारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। तो महाक्रिया को ज़रूर करिए। महाक्रिया को करने से आपका पैनक्रीज भी एक्टिवेट होता है। तो एक बार और करेंगे इस क्रिया को। सांस लीजिए, रिलीज, रिलैक्स। कैसे लग रहे हैं आपको आज की क्रिया और आसन? एक और हम आसन करेंगे, इसको पूर्ण तितली आसन बोलते हैं। बहुत ही अच्छा आसन रहता है आपकी लंग कैपेसिटी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी। इस तरह से होल्ड करेंगे, हमेशा सीधा बैठने की ही कोशिश करिए। चलिए करते हैं इस आसन को। जितना आपसे स्ट्रेच होता है उतना ही स्ट्रेच कीजिए, तो कोई स्ट्रेन लेने की जरूरत नहीं है। करेंगे इस आसन को। ऊपर देखिए, बॉडी को पूरी तरह स्ट्रेच करिए। रिलीज, एक बार और करेंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करिए। चलिए बंद क्रिया करेंगे, होल्ड करिए।
इसको खाना खाने के बाद जरूर करिए। खाना और पानी हमेशा हमें बैठ के लेना चाहिए, सो खाना खाने के बाद इसको जरूर करिए। इस तरह से बैठेंगे, कीप योर फोरहेड डाउन, रिलीज, रिलैक्स। मैं आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। योग करिए, निरोग रहिए और साथ में डाइट भी फॉलो कीजिए। 5 बजे के बाद ऑयली फूड, जंक फूड को पूरी तरह अवॉइड करिए। हर आधा घंटे के बाद आधा गिलास पानी भी पीजिए। और साथ में एक बहुत अच्छी टिप मैं आज आप लोगों को देना जा रही हूँ, बे लीफ वाटर, तेज पत्ते का पानी। रोज रात को एक पत्ता पानी में जरूर भिगो के उसको अगले दिन पीजिए। 14 दिन अगर आप इसको करेंगे, इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और साथ में आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा। अपने विचार सुझाव हमसे जरूर शेयर करें। हम आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।